हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सैफ और मैं एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले दो पोस्टर्स, जो कि मिनिमल है, एक दो इफेक्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वाला पोस्टर, जो कि है एक फैशन पोस्टर, जिसका मैंने यहाँ पे साइज A4 लिया है फोटोशॉप के अंदर। और मैं जो इमेज यूज करने वाला हूँ उसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके मैं यहाँ पे फोटोशॉप में ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला हूँ। लेयर पैनल के नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर के अंदर से मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। ये रही हमारी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट। आप चाहो तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको चाहिए। सेकेंड, मैं इसके ऊपर एक नॉइस का इफेक्ट ऐड करूंगा, जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। अराउंड मैं यहाँ पे 30% नॉइस मैं ऐड करूंगा। ध्यान रख देना कि आपने जो इमेज के ऊपर आपको नॉइस ऐड करना है वो इमेज आपकी सिलेक्टेड हो लेयर पैनल से। और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऐड नॉइस के ऊपर। आप देख रहे हैं अराउंड 30% मैंने यहाँ पे नॉइस ऐड किया है। ध्यान से देखना, मैं जूम करके बता देता हूँ आपको कि इमेज में नॉइस किस तरह से दिखता है। ये थोड़ा सा रेट्रो लुक यहाँ पे आपकी इमेज को देता है। मैं यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको व्हाइट ही रख देता हूँ और अलाइनमेंट भी मैं इसकी बाद में सेट करूंगा। मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखने वाला हूँ फैशन वीक, मैं वो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको ये फैशन बैनर है, तो इसका कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह हम थोड़ी देर के बाद में सेट करेंगे। टेम्परेरी मैंने यहाँ पे जो फॉन्ट लिया है वो है गौतम, और मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। मैंने एक फॉन्ट डाउनलोड किया था टाइपो लॉन्गेस्ट डेमो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंट्रोल टी करके मैं इसका लाइन हाइट जो है वो ऑटो पे कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और इस लेयर को मैं अपने इस बॉक्स के अंदर, अपने इस रेक्टेंगल के अंदर लेकर आता हूँ और इसकी हाइट और साइज मैं इसकी बढ़ा देता हूँ अराउंड 300%। पॉइंट्स कह लो, पिक्सल्स कह लो, जो भी आपको कहना है। और फिर से मैं इसको इस रेक्टेंगल के अंदर ले लेता हूँ। अब क्या करना है, रेक्टेंगल की जो विड्थ है हमको एग्जैक्टली इसके साइज में चाहिए, इसलिए मैंने रेक्टेंगल की विड्थ जो है थोड़ी सी कम कर दी। वीक वाले जो वर्ड है उसको मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ ताकि ये दिखने में और ज्यादा अच्छा दिखे। और इसकी लाइन हाइट मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, साइज बढ़ा देता हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ये अभी ठीक दिख रहा है। इस इफेक्ट को करने के लिए ये जो रेक्टेंगल है इसको हमें सेंटर में लेना है, तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ। अब जो इफेक्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं इसके ऊपर, मैं आपको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ जूम करके। बैकग्राउंड में जो इमेज है वो इस वर्ड में से दिखनी चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वर्ड का जो थंबनेल है वहां पे कंट्रोल करके क्लिक करना है, तो ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और जो हमारा रेक्टेंगल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से, और मास्क के ऑप्शन पे Alt दबा करके हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव लेयर मास्क तैयार हो जाएगा। ये दिख रहा है बैकग्राउंड में जो इमेज है वो यहां से ऊपर दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है टोटली और दिखने में काफी अच्छा लगता है। तो ये इफेक्ट हमको ड्रॉ करना है फैशन के बैनर के ऊपर। सेकेंड, हमने कुछ लाइन्स लिए हुए यहाँ पे, आपके हिसाब से आपके जो लाइन्स है या तो आपके जो वर्डिंग्स है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने जो लिखे हुए लाइन से वो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, और फॉन्ट मैं उसके लिए ले रहा हूँ गौतम, मीडियम में ले लूंगा यहाँ पे। कलर मैं उसका फिलहाल के लिए ब्लैक ही रहने देता हूँ, एडजस्टमेंट हम थोड़ी देर के बाद में करेंगे। सेकेंड वाली लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करूंगा और सेकेंड लाइन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसका फॉन्ट बुक रखूंगा, गौतम में बुक आता है, और इसका अराउंड मैं 7 पिक्सल कर लेता हूँ। मैं इसकी लाइन हाइट को थोड़ी सी कम कर देता हूँ अराउंड 9 पॉइंट, थोड़ा सा मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ सही से। और इसके बॉटम में मैं यहाँ पे एक लाइन, रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, उसका कलर भी मैं यहाँ पे ब्लैक ही रखूंगा टेम्पररी। ये तो होगा हमारा स्ट्रक्चर रेडी। हम इसको, इन लेयर्स को ब्लैक एंड व्हाइट लेयर के ऊपर ले लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट लेयर को यहाँ पे नीचे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब जो कलर है तो मैं यहाँ पे पिंकिश कलर थोड़ा सा लेना चाहूंगा ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे। और ये रहा आपका बैनर रेडी। यहाँ पे
थोड़ा सा अलाइनमेंट की हमको जरूरत है, तो थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं हम। लेयर ऊपर नीचे हो गए, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी है। ये काफी मजेदार इफेक्ट है, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। सेकेंड पोस्टर की तरफ बढ़ते हैं हम और साइज लेते हैं इसका फिर से A4। ये भी जो पोस्टर मैं बनने वाला हूँ वो भी काफी मिनिमल पोस्टर होगा, आप इसको ध्यान से देखना। इसके लिए हमको एक बस एक वर्ड लेना है क्यू, और इस क्यू वर्ड को हम किस तरह से हमारे पोस्टर के अंदर यूज करेंगे वो आपको देखने में काफी मजा आएगा। आप इस पोस्टर को, आप इस कंसेप्ट को आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। काफी मिनिमल से मिनिमल बैनर है, काफी वाइट स्पेस का यूज है इसमें। कंपनी का जो नाम है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और मैं इसकी साइज थोड़े से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, काफी मिनिमल बैनर होने वाला है। और सेकंड लाइन इसकी मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। फॉन्ट मैंने यहाँ पे गौतम चूज किया, ये मेरा काफी फेवरेट फॉन्ट है, काफी लोगों का फेवरेट फॉन्ट है। साइज मैंने लिया अराउंड 10 पिक्सल, और मैंने ये पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट किया और कंट्रोल A दबा के ऑल सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसका लाइन हाइट को जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। आप लाइन हाइट के ऊपर ध्यान दिए थोड़ा सा। टाइपोग्राफी की काफी ट्यूटोरियल्स यहाँ पे काफी लोगों ने अपलोड किए, आप वो जाके देख सकते। टाइपोग्राफी जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आपको यहाँ पे उस चीज में मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इस क्यू को आल्ट दबा के या फिर कंट्रोल जे करके आप इसका डुप्लीकेट कर ले और यहाँ से इसको रोटेट कर ले, और इसके नीचे मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ। टेम्पररी मैं बस एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अभी। सेकंड जो ये लाइन है, ये पैराग्राफ है, इसको हम फिर से कॉपी करेंगे और हमारा बॉटम का पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसका कलर कॉम्बिनेशन हम थोड़ी देर में चेंज करने वाले। व्हाइट स्पेस का असल यूज जो है वो किस तरह से किया जाता है, अंडरलाइन को मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक आपके जो बैनर है, पोस्टर है, इसके अंदर एक बैलेंस बन के आना चाहिए, तब जाके उसके अंदर वो मजा आता है और काम करने में भी काफी मजा आता है। ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर, रेडी हो गया। आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ये मिनिमल पोस्टर की तरह से दिख तो रहा है बट इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो अभी जस्ट मजा ऐड करते हैं हम। यहाँ पे एक इमेज मैंने लिया है यहाँ पे, तो ये इमेज को मैं यहाँ पे इस क्यू के अंदर मास्क करने वाला हूँ। आप देखना काफी मजा आएगा आपको। इस क्यू के ऊपर मैं इस इमेज को ड्रॉ करके आल्ट दबा के आप यहाँ पे देख सकते हैं मास्क का ऑप्शन आ गया है, या तो फिर आप राइट क्लिक करके क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क यहाँ पे ऑप्शन है वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके फिर से हम इसको एडजस्ट करेंगे इमेज को, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मुझे इस तरह से इमेज चाहिए थी तो मैंने इस तरह से ले ली। और ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे हम फिर से वही कलर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इमेज को रास्टराइज करना पड़ेगा और एक सिलेक्शन स्क्वायर ड्रॉ करके राइट क्लिक करके आप यहाँ पे फिल करा सकते हैं और कंटेंट अवेयर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, या तो आप स्टैम्प टूल का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है तो मैं उसको भी फिल कर लेता हूँ कंटेंट अवेयर से, और ये फिर से वही स्कीन का कलर जो है ये आपके मास्क के अंदर आपके जो क्यू का पोस्टर है उसके अंदर आ गया है। थोड़ा सा इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ये दिखने में काफी प्यारा दिख रहा है अभी। इस लेयर को मैं, इस क्यू को मैं फिर से कलर देने वाला हूं, और वो कलर होगा इसके स्किन का कलर। और यहाँ पे जो फॉन्ट है, ब्रांड नेम जो है, ब्रांड नेम को मैं कलर दूंगा इसके लिप्स का। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, काफी अच्छा दिखता है इफेक्ट, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। इस इमेज को थोड़े से लेवल्स हमको बढ़ाना पड़ेंगे, तो आप यहां से जाके लेयर पैनल से आप इमेज के लेयर्स को बढ़ा सकते हैं। और ये रहा वो इफेक्ट, काफी मिनिमल बैनर है, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे काफी सारे ट्यूटोरियल्स मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों ने सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन भी दबा देना प्लीज। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।